किसी भी जिले या किसी भी प्रदेश की विभिन्न जगहों से आने वाले लोगों को खाद्य अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन को प्राप्त करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस व्यवस्था को और सरल और सभी लोगों के लिए सहज बनाते हुए वन नेशन वन राशन सिस्टम लागू किया गया है। इसे किसी भी जिले या स्टेट का कार्ड धारक मन माफिक राशन डीलर से राशन प्राप्त कर सकेगा। जिले में यह सिस्टम वैसे तो करीब 8 माह से चल रहा है, लेकिन प्रचार प्रसार की कमी के चलते अभी तक इसे आयाम नहीं मिला है। इसके लिए खाद्य पूर्ति विभाग ने कमर कस ली है। वन इंडिया वन नेशनल सिस्टम को पूरी तरह से लागू करने के लिए अनियंत्रण जगहों से आने वाले लोगों को अपने अपने राशन कार्डों को आधार से लिंक कराने को कहा जा रहा है, ताकि उन्हें राशन प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। व्यवस्था के तहत सभी कोटेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है कि बाहर से आने वाले जिन लोगों के कार्ड आधार से लिंक हैं, उन्हें राशन वितरण में समस्या नहीं आने दी जाए। जिला पूर्ति अधिकारी उमेश मिश्रा का कहना है कि अभी तक इस व्यवस्था में अंतर्राज्यीय स्तर पर ज्यादा लोग नहीं जुड़ पाए हैं, इनकी संख्या भी काफी कम है। इसके बाद भी विभाग वन नेशनल वन राशन व्यवस्था को लागू कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। डीजो साहब, ये वन इंडिया वन नेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लागू हुआ, उसके बारे में आप जरा बताएंगे क्या चल रहा है आगरा में? देखिए, वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत सर्वप्रथम हम लोगों ने जिले के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी शुरू किया था। जिले के बाद हम लोगों ने अंतर जनपदीय पोर्टेबिलिटी शुरू किया, और अब शासन के निर्देशानुसार काफ़ी पहले से ही हम लोग इसमें जो है अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी भी कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे जनपद में आया हुआ है, दूसरे जिले का निवासी है या दूसरे प्रदेश का निवासी है, वह अपने राशन कार्ड पे आगरा में राशन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए हम लोग इसमें काम भी कर रहे हैं, और जो दिक्कतें आ रही हैं उसे भी सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जा रहा है। और सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया गया है कि यदि कोई दूसरे जिले का या दूसरे प्रदेश का व्यक्ति है तो उसके राशन कार्ड और राशन कार्ड धारक है तो उसे बायोमेट्रिक के माध्यम से राशन देना सुनिश्चित करें। इस वन नेशन वन कार्ड में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बायोमेट्रिक ही लगेगा। यदि किसी का राशन कार्ड आधार से लिंक नहीं है तो उसे इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम सभी लोगों से अपील भी करते हैं कि जो हमारे यहाँ के कार्ड धारक हैं और बचे हुए हैं जिनका भी आधार से नहीं है तो अपना आधार दे दें, तभी इसका लाभ पाएंगे। आगरा में अभी तक कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? अभी तो कब से योजना लागू हुई है? ये पोर्टेबिलिटी की जो सुविधा है उसको लागू हुए हमको लगता है कि कम से कम 7-8 महीने हो गए हैं, और हमारे यहाँ लगभग 13,000 से 14,000 शहरी क्षेत्र में पोर्टेबिलिटी हो रही है, जो अंतर जनपदीय है, दूसरे जनपद के लोग जो यहाँ लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो अंतर राज्यीय है उसमें अभी संख्या काफ़ी कम है, 10-12 के आसपास ही हो पाता है 1 महीने के वितरण में। हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और इसके लिए जो कुछ लोकल लेवल पर दिक्कतें आ रही हैं उसको भी हम लोग निस्तारित कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और इसको हम लोग सफल करेंगे, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो नीडी है, अपने घर को छोड़कर कहीं कमाने जा रहा है, उसे हम सहयोग कर सकते हैं, उसका लाभ मिला सकते। किस तरह की दिक्कत आ रही है योजना को लागू होने में? उसमें दिक्कतें 2 तरह की हैं कि जैसे खाद्यान्न किसी दूसरे जनपद का है और वहाँ कुछ और जींस है, यहाँ कुछ और जींस है, तो जो हमारा राज्य दे रहा है हम उसे वही चीज़ दे पाते हैं। दूसरी चीज़ें ये रहती हैं कि कई बार दुकानदार के स्तर पर राशन उपलब्ध नहीं होता है तो हमें उसको दूसरे दुकानदार के यहाँ भेज करके दिलवाना पड़ता है, बट हम उसे सॉर्ट आउट कराते हैं।